अंतिम संस्कार में किसी कारणवश समय पर नहीं पहुंच पाते या फिर भीलवाड़ा से दूर देश विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भीलवाड़ा के एक मोक्ष धाम में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे परिजन और प्रियजन अंतिम संस्कार के लिए ऑनलाइन जुड़कर उसमें शामिल हो सकते हैं। अब इसकी जानकारी दी गई, इसकी जानकारी देते हुए हरि शिवा धाम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि धाम की तरफ से भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर स्थित मोक्ष धाम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन्हें लगाने के पीछे उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना है जो देश विदेश या फिर बहुत दूर दराज में रहते हैं और अंतिम क्रिया में समय पर शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही इन कैमरों से शमशान परिसर में भी सुरक्षा बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि इन कैमरों को यूट्यूब से जोड़ा गया है जिससे यहाँ पर होने वाले अंतिम संस्कार को लाइव देखा जा सकता है। भीलवाड़ा के हरि सेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी द्वारा आज एक नवाचार किया जा रहा है, जहां अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के जो विदेशों में बैठे हुए लोग हैं या जो दूर दराज के लोग मौके पर अगर नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था यहां पर की गई है। जहां हम देख सकते हैं कि अभी भी गांधीनगर मोक्ष धाम से ये शुरुआत होने जा रही है। हम देख सकते हैं कि अभी हम शमशान घाट के अंदर खड़े हैं और पीछे लाइव चिता यहाँ पर जलती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार गुरु जी का एक मानना था कि जो लोग जो अपने सोलह सिंगा जो होते हैं ये उसमें एक अंतिम संस्कार का भी बहुत महत्व होता है, लेकिन बहुत सी बार आज आधुनिक युग के अंदर जो लोग विदेशों में चले गए और समय पर नहीं पहुंच पाते, उनके लिए यहाँ पर शमशान घाट से ही ऑनलाइन श्रद्धांजलि या दाह संस्कार का जो एक क्रियाक्रम का जो पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी हमारे साथ मौजूद, इनसे चर्चा कर लेते हैं। जिना था ये जो आज का जो जिस पर आपने योजना किस प्रकार दी और कैसे ये योजना आई? गांधीनगर मुक्ति धाम समिति ने जब हरि सेवा में आकर ये कहा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएं और इसको यदि कोई उनके परिजन देश विदेश में यहाँ भीलवाड़ा से बाहर हैं तो कम से कम आज की तारीख में जो यहाँ नहीं पहुँच सकता है तो यहाँ से ही दूर से पुष्पांजलि अपने दर्शन कर सकता है, उसको आज यहाँ भीलवाड़ा में शुभारंभ किया गया है। और यहाँ आज भूत भवन भगवान महादेव की भस्मनाथ कृपा हो गई जो आज ये अग्नि संस्कार देखिए स्वतः ही अपने आप ये समय आया है। और सनातन धर्म में तो ऐसा है जब कितना भी वैर हो तो आदमी जीवित है तो वैर है, किसी की भी मिट्टी रास्ते में भी देखते हैं तो खड़े होकर हम लोग प्रणाम करते हैं, ये नहीं पूछते हैं कौन है। तो हम तो सनातन धर्मी 16 संस्कार और इस अंतिम संस्कार को तो बहुत महत्व देते हैं, तो इसका दर्शन करना भी एक पुण्य है। जब कोई प्राणी रास्ते में मिल जाता है किसी काम के लिए जाते हैं तो हम लोग समझते हैं कि आज का काम हमारा शुभ हो जाएगा, तो आज से हमारा ये शुभ सेवा का संकल्प गांधीनगर हरि सेवा का जो हुआ है ये शुभ रहेगा। और भी हम लोग ऐसी सेवाएं करते रहे, परमात्मा से यही प्रार्थना है हमें सेवा करवाए, अहंकार न दे। और ये जीवन में जो हमारा उद्देश्य है सुख चाहो सेवा करो, सुख चाहो सिमरन करो, घर में सुख समृद्धि चाहो सनातन संस्कृति अपनाओ, ये अंतिम 16 संस्कार संस्कृति है, इसी को हम लोग अच्छे से सेवा करें अपने जीवों की। ओम। बिल्कुल, तो अंतिम संस्कार का जो विदेशों में बैठे हुए या दूर दराज के लोग पूरी तरह से दर्शन कर सकते हैं, उसके साथ ही इस पूरे सिस्टम को कैसे ऑपरेट करेंगे इसके श्रीकांत हमारे साथ मौजूद। श्रीकांत, जिस प्रकार ये पूरा जो सिस्टम आपने यहाँ डेवलप किया है कैसे काम करेगा ये? अगर अपन चाहें तो मोबाइल ऐप से भी देख सकते हैं और एक यूट्यूब लिंक बनेगा, वो यूट्यूब लिंक के द्वारा अपन लाइव वर्ल्ड में कहीं पे भी उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। इसका आइडिया कैसे आया? वो आइडिया तो यहाँ के जो संस्था के लोगों हैं उन्होंने आइडिया बताया और इसको हमने आगे क्रियान्वित किया और गुरुजी का आशीर्वाद से सारा काम हुआ। जरूरत क्यों आन पड़ी इसकी अगर बात करें तो? जरूरत इसलिए आई कि विदेशों में जो लोग रहते हैं वो यहाँ आ नहीं पाते समय पे, क्योंकि जो बॉडी है उसको मतलब दाग करने का टाइम निकल जाता है, इसलिए कि उन्होंने इसको ऑनलाइन देख सके यहाँ से। ठीक, तो बिल्कुल जिस प्रकार विदेशों के अंदर या दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं जो समय पर अगर यहाँ अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले सकते तो उनके लिए यहाँ पर हरि सेवा धाम द्वारा एक यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहाँ पर ऑनलाइन जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था यहाँ पर वो घर बैठे या जिस प्रकार जहाँ पर भी हो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से या अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कहीं भी देख कर लाइव श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं प्रोडक्ट